Hello and welcome to Gate Academy, and today is Teachers Day, 5th September, and I wish you all a happy Teachers Day. And we are going to see the today's most talk topic, and today's topic is basic concept of enhancement and depletion type MOSFET and basic structure of enhancement type MOSFET. So we don't want we are not going to see what is the difference. Okay, hum log yahan pe ekdam difference ko line khich ke banane wale nahi hai. We are going to analyze the difference between enhancement type of a-type and depletion type MOSFET in terms of its working and structure. That's all, okay? And we are going to see again what is the basic structure of enhancement type MOSFET. So, main pehle hi clear kar dun ki yahan pe jo main structure design karunga, wo ekdam 100% practical structure design nahi karunga. Kyunki aapko concept batane ke baad, jab main aapko working स्टेप बाय स्टेप पूरी तरीके से समझा दूंगा, उसके बाद मैं उसका प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर डिजाइन करूंगा. बट नाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज एवरीथिंग थ्योरेटिकली. ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज द थिंग्स. सो द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एनहांसमेंट टाइप एंड डिप्लीशन टाइप मॉस्फेट. सो आई थिंक इन द प्रीवियस लेक्चर ऑफ मॉस्टॉक 1 वी हैव एनहेंस्ड अवर नॉलेज. हम लोगों ने अपने नॉलेज को एनहेंस कर लिया है. And we come to know that if you want to design an amplifier, then definitely we need a dependent current or voltage source. If you are having a dependent current or voltage source in any form, then we can design an amplifier. This is the conclusion of our previous MOSTOC 1. And now in MOSTOC 2, we are going to enhance that knowledge in terms of its structure and difference between enhancement type and depletion type MOSFET. So, ये डायग्राम आपको याद है? ये डायग्राम बिल्कुल आपको याद होगा कि इसको हम लोगों ने प्रीवियस MOSTOC 1 में देखा था, और यहाँ पे उसी डायग्राम को मैंने ड्रॉ किया है. और हमको ये दिख रहा है कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया था, जिसमें हम लोगों ने मेटल ऑक्साइड और सेमीकंडक्टर के लेयर्स लिए थे. और जब हम लोगों ने इस टाइप का डिज़ाइन बना लिया था, उसके बाद व्हाट वी हैव डन, वी हैव एज्यूम्ड ए कैपेसिटर. हम लोग एक कैपेसिटर का एजम्पशन लिए थे, और उस कैपेसिटर के एजम्पशन के थ्रू हम लोगों ने मेटल को एक कंडक्टिंग प्लेट लिया, सेमीकंडक्टर को एक कंडक्टिंग प्लेट लिया, और डाइइलेक्ट्रिक जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड को एज्यूम किया. और हम जब इसको कैपेसिटर एक पैसिव एलिमेंट बना चुके थे, तो उसका बिहेवियर भी हम लोग उसी तरीके से एनालिसिस किए थे कि हम लोगों ने एक वोल्टेज लगाया, उस वोल्टेज की वजह से ये जो कैपेसिटर इस मेटल और इस सेमीकंडक्टर के बीच में तैयार हो रहा था, जिसको व्हाट वी कैन से दिस इज नथिंग बट द चैनल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का एक्यूमुलेशन हुआ. और जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गया, तो व्हाट वी कैन से द चैनल, यहाँ पे वी कैन राइट दिस इज द फर्स्ट थिंग, द चैनल, चैनल कंडक्टिविटी, चैनल की कंडक्टिविटी जो है, एंड दैट हैज बीन एनहेंस्ड, कंडक्टिविटी इज इंक्रीज्ड. ये कंडक्टिविटी जिसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस हैज बीन एनहेंस्ड. व्हाई दिस हैज बीन एनहेंस्ड, बिकॉज द चैनल कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपन एन क्यू म्यू एन, एंड सिंस द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज बीन इंक्रीज, सो कंडक्टिविटी ऑफ चैनल इज इंक्रीज. सो बिफोर द इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के आने से पहले इसकी कंडक्टिविटी रिड्यूस थी, इसका मतलब इसका रेसिस्टिविटी बढ़ा हुआ था. सो बिफोर क्रिएटिंग दिस चैनल, the resistivity of this channel area has it was increased, and we don't have any current. Agar us samay hum log ek alag se potential laga ke A aur B point ke beech mein current ko flow karne ki koshish karte, to us samay current flow nahi hota, because the resistivity of this particular channel is very high and the conductivity is very less. Ye main theoretical analysis kar raha hu, maine pehle hi bata diya. तो प्रैक्टिकली तो करंट कंडक्ट करेगा, बिकॉज इट इज सेमीकंडक्टर, एंड सेमीकंडक्टर इज हायर देन इंसुलेटर इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी. सो डेफिनेटली वी आर हैविंग करंट, बट थियोरेटिकली इफ यू एनालाइज्ड, देन वी कैन से दैट इफ यू आर नॉट अप्लाइंग दिस पोटेंशियल, देन दिस पर्टिकुलर चैनल कंडक्टिविटी इज रिड्यूस्ड, एंड वी डोंट हैव एनी करंट, एंड द करंट इज एज्यूम टू बी जीरो थियोरेटिकली. सो वी कैन से दैट इफ द चैनल इज नॉट इंड्यूस्ड हेयर, ओके, यहाँ पे अगर आप चैनल को इंड्यूस नहीं करते या फिर इलेक्ट्रॉन्स को इंड्यूस नहीं करते, देन वी कैन से दैट द सेकेंड पॉइंट, दिस इज नॉर्मली, ये जो है आपका नॉर्मली जो है ये ऑफ कंडीशन में होता.
तो एज वी नो व्हाट वी आर सेइंग नॉर्मली ऑफ मीन्स, एज वी नो कि मॉस्फेट को हम लोग दो काम के लिए यूज करते हैं। एक जो है, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि उसको एम्पलीफायर के डिजाइन के लिए बेसिकली यूज किया जाता है, लेकिन मॉस्फेट को हम लोग स्विच की तरह भी यूज कर सकते हैं। और स्विच की तरह यूज करने के लिए हम लोग या तो उसको ऑन कंडीशन में ले जाते हैं या तो उसको ऑफ कंडीशन में ले जाते हैं। नाउ इफ यू सी अनदर स्ट्रक्चर दैट इज ड्रॉन इन बिसाइड दिस वन, अगर आप दूसरे को देखें तो यहां पे आप इन दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है, आप बिल्कुल देख के पता लगा लिया होगी कि सर यहाँ पे आपने ये वोल्टेज सोर्स लगाना भूल गया है। दूसरा, आपको यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन तो मुझे दिख रहा है, साथ में यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्जेस भी दिख रहे हैं, तो ये दोनों में ये डिफरेंस दिख रहा है, बाकी तो सारे सिमिलर हैं सर, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब है कि इसका बिहेवियर इसके बिहेवियर से सिमिलर नहीं है, और अगर ये दोनों सेम बिहेवियर के नहीं हैं तो इस कंडीशन में ये कौन है जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, एक्चुअली में ये एक डिप्लीशन टाइप का मॉस्फेट है। सो आई विल राइट हेयर, ये एक डिप्लीशन टाइप का मॉस्फेट है। सो वाई इट इज कॉल्ड डिप्लीशन टाइप मॉस्फेट, एंड इफ इट इज कॉल्ड डिप्लीशन टाइप मॉस्फेट देन दिस पर्टिकुलर मॉस्फेट दैट वी हैव सीन अर्लियर इन अर्लियर क्लास मॉस्टॉक वन इज नथिंग बट एन एनहेंसमेंट टाइप मॉस्फेट। सो आई विल राइट हेयर दिस इज एन एनहेंसमेंट टाइप मॉस्फेट। वाई इट इज कॉल्ड एनहेंसमेंट टाइप मॉस्फेट, द रीजन इज दैट वी आर एनहेंसिंग द कंडक्टिविटी ऑफ चैनल बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल वोल्टेज बिटवीन मेटल एंड सेमी कंडक्टर। आई विल टेक ए टिक मार्क हेयर। तो हम लोगों ने एक वोल्टेज लगा के चैनल की कंडक्टिविटी को बढ़ाया है, द रीजन वाई इट इज कॉल्ड एनहेंसमेंट, बढ़ाना, एनहेंस करना। एंड वाई इट इज कॉल्ड डिप्लीशन टाइप मॉस्फेट, बिफोर गोइंग टू वाई इट इज कॉल्ड डिप्लीशन टाइप मॉस्फेट, जस्ट एनालाइज द थिंग डैट आई हैव ड्रॉन हेयर। यहाँ पे जो ड्राइंग हम लोगों ने बनाया उसको अगर मैं एनालाइज करूँ तो ये एक एरिया है जहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैंने इलेक्ट्रॉन्स के साथ आयोन्स भी बनाया है, तो एक्चुअली में मैंने इस एरिया में अलग से डोपिंग किया है, यहाँ पे मैंने डोपिंग किया है। और ये डोपिंग किसकी की है मैंने, यहाँ पे डोपिंग मैंने डोनर एटम्स की है। और अगर मैं यहाँ पे डोनर एटम्स की डोपिंग किया हूँ तो उस किस प्रोसेस से किया हूँ, द प्रोसेस यूज्ड इज, अगर आपने मेरा आईसी फैब्रिकेशन देखा है तो आपको ये प्रोसेस भी पता चल जाएगा, द प्रोसेस यूज्ड इज आयोन इम्प्लांटेशन। मैं ये लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा आयन इम्प्लांटेशन का, वी कैन यू कैन सी डेट फ्रॉम देयर। तो आयन इम्प्लांटेशन से प्रोसेस से मैंने यहाँ पे डोपिंग किया। डोपिंग किसका किया, डोनर एटम्स क्या किया। डोनर एटम्स कैसे होता है, डोनर एटम्स का मतलब कि हम लोग उसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज ए पॉजिटिवली चार्ज आयोन्स विथ वन इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, सो सेम थिंग वी कैन सीन हेयर। सो यहाँ पे पी टाइप के सेमीकंडक्टर में मैंने एक एन का रीजन क्रिएट किया है, और उस एन के रीजन की वजह से इस चैनल की कंडक्टिविटी पहले से ही बढ़ी हुई है विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल वोल्टेज। बिना किसी एक्सटर्नल वोल्टेज के ही इस चैनल की कंडक्टिविटी बढ़ी हुई है। अगर इस चैनल की कंडक्टिविटी बढ़ी हुई है, इसका मतलब है कि ये जो है, अगर आप एक वोल्टेज एक्सटर्नली ये पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में लगाते हैं तो व्हाट विल हैपन, द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट दैट कैन बी सीन फ्रॉम दिस वन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो आई विल से दिस इज नॉर्मली, ये आपके पास है नॉर्मली, दिस विल से नॉर्मली ऑन कंडीशन में है, ये नॉर्मली ऑन कंडीशन में। एंड दिस टाइप ऑफ मॉस्फेट इज नोन एज डिप्लीशन टाइप मॉस्फेट। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द सेकेंड पॉइंट। सो नाउ सी हियर, वी आर कॉलिंग इट, ये जो एनहेंसमेंट टाइप मॉस्फेट है इसको हम लोग नॉर्मली ऑफ बोल रहे हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड नॉर्मली ऑफ, बिकॉज जब तक आप इस एक्सटर्नल वोल्टेज को मेटल और सेमीकंडक्टर के बीच में नहीं लगाते, आपके पास करंट का मैग्नीट्यूड जीरो आएगा, बिकॉज वी कैन सी हेयर इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन यहाँ पे आपको नहीं दिख पाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन नहीं है तो वी कैन थ्योरेटिकली से डैट द कंडक्टिविटी ऑफ दिस पर्टिकुलर चैनल इज वेरी लेस। इफ द कंडक्टिविटी ऑफ चैनल इज वेरी लेस द रेसिस्टिविटी विल बी हाई। इफ द रेसिस्टिविटी इज हाई बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस पोटेंशियल ओनली, बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस पोटेंशियल ओनली
द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट विल बिकम जीरो। तो इसको ऑन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस एक्सटर्नल वोल्टेज का सहारा लेना पड़ेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉर्मली ऑफ। सो व्हेन इट इज नॉर्मली ऑफ, तो हम सेमीकंडक्टर में हमारा कंट्रोल चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सेमीकंडक्टर हमारी बात सुने। वो कैसे, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, हम उसको जितना पोटेंशियल लगाए उसके अनुसार उसका बिहेवियर रेसिस्टेंस की तरह भी हो, कंडक्टर की तरह भी हो और इंसुलेटर की भी तरह हो। तो यही खास बात है सेमीकंडक्टर की, जिसकी वजह से हम लोग सेमीकंडक्टर को मोस्टली यूज़ करते हैं और सबसे ज़्यादा एनालिसिस सेमीकंडक्टर में ही करते हैं। सो यहाँ पे भी हमारे पास ये नॉर्मली ऑफ है, जब हम लोग इस वोल्टेज की वैल्यू को नहीं लगाएंगे, जिसको मैंने टिक लगाया है, अगर इस वोल्टेज की वैल्यू को लगा देते हैं तो ये ऑन हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये वोल्टेज आपके चैनल की कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है और यही वोल्टेज आपके करंट के मैग्नीट्यूड को भी कंट्रोल कर रहा है, जिसका एनालिसिस हम लोगों ने पिछली बार किया था। तो ये नॉर्मली ऑफ है, तो हम लोग इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज लगा के इसको ऑन करते हैं। और यहाँ पे देखिए सेम वही चीज़ है, बस वो एक्सटर्नल वोल्टेज यहाँ पे एब्सेंट है, जो कि जिसको मैंने यहाँ टिक लगाया। तो ये क्या है, अगर आप इस तरीके से डोपिंग करके इलेक्ट्रॉन्स के कंसंट्रेशन को यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं पहले से, उसका मतलब है कि अगर आप एक वोल्टेज ये वाला फिर से जिसको मैंने यहाँ पे सर्किल किया है इसको लगाते हैं, तो यहाँ पे करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग, बिकॉज आपने कंडक्टिविटी को डोपिंग से बढ़ा के रखा हुआ है। और अगर कंडक्टिविटी को डोपिंग से बढ़ा के रखा हुआ है तो ये नॉर्मली ऑन है, मतलब ये वोल्टेज लगाने से इसमें करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। तो हम इस पर कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तब हम लोग यहाँ पे एक वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ऑन करने के लिए नहीं, वी आर गोइंग टू टेक दिस वन इन ऑफ कंडीशन। तो जब ऑफ कंडीशन में करेंगे तो वो देखिए वोल्टेज की पोलारिटी को मैंने चेंज कर दिया, दिस विल बिकम नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। तो इसको ऑफ कंडीशन में ले जाने के लिए मैं इस एक्सटर्नल वोल्टेज को लगाया हूँ, तो ये नॉर्मली ऑन है, वी आर मेक इट दिस वन इन ऑफ कंडीशन। तो जब मैं एक्सटर्नल वोल्टेज लगाया, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो व्हाट विल हैपन, द इलेक्ट्रॉन्स विल गेट रिपल्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रीजन, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नीचे की ओर आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव पोटेंशियल, एंड द इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। पहले के इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के डायरेक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट में ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, एंड द इलेक्ट्रॉन्स विल गेट एंटर्ड इन दिस। सो ये जो है ये आपका नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स मूव अवे, जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से हट जाएगा, सो व्हाट विल हैपन, दिस एरिया विल बिकम डिप्लीटेड ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, मोबाइल चार्ज कैरियर्स की कमी हो गई, मतलब इस एरिया की, जैसे यहाँ पे कंडक्टिविटी आपने बढ़ाया था, इस एरिया में आपने इसकी रेसिस्टिविटी को बढ़ा दी, और रेसिस्टिविटी को बढ़ा दी इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ करेंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये जो आयोन्स है विच वी हैव ड्रॉन हेयर, दिस आर द इमोबाइल, ये चल नहीं सकते, दिस आर द इमोबाइल चार्जेस, एंड इफ इट इज द इमोबाइल चार्जेस देन वी डोंट हैव एनी करेंट इन दिस पर्टिकुलर सेमी कंडक्टर अनटिल अनलेस वी आर अगेन रिमूविंग दिस वोल्टेज सोर्स फ्रॉम हेयर। सो आप क्या कर रहे हैं, आप इस एरिया को एक्चुअली में डिप्लीशन रीजन बना रहे हैं, बाय अप्लाइंग दिस एक्सटर्नल पोटेंशियल डिप्लीशन रीजन बना रहे हैं, बाय अप्लाइंग दिस एक्सटर्नल पोटेंशियल, देखिए मैं टिक लगाया उसी पोटेंशियल से। सो यहाँ पे इस पोटेंशियल का काम क्या है, चैनल की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना, यहाँ पे इस पोटेंशियल का काम है चैनल की कंडक्टिविटी को डिक्रीज करना और डिप्लीशन रीजन को इंक्रीज करना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिप्लीशन टाइप मॉस्फेट, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एनहेंसमेंट टाइप मॉस्फेट। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एनहेंसमेंट एंड डिप्लीशन टाइप मॉस्फेट, वी आर गोइंग टू सी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनहेंसमेंट टाइप मॉस्फेट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, फॉर दैट वन आई विल मीट यू अगेन टुमारो, थैंक यू।